मोटरसाइकिल आप करें एन इंस्पायरिंग सॉन्ग देयर सत्यमेव जयते फ्लाई पास्ट एंड जस्ट In a few moments from now, the daredevils of the Corps of Signals motorcycle team will perform gravity-defying stunts. और अब आप देखिए सलामी मंच पर मोटरसाइकिल एक-एक करके दो-दो करके चलना तो यूं तो वर्जित है लेकिन आज उनको अनुमति है और यो अकेली मोटरसाइकिल पर खड़े होकर के राष्ट्रपति को सैल्यूट करने वाले प्रदर्शन और कैप्टन मनप्रीत सिंह माननीय राष्ट्रपति को सैल्यूट करके आगे दल के नेता हैं मुखिया हैं वो इस बात को कर रहे हैं गजानन मिसाई कोर ऑफ सिग्नल्स और फिर उसके बाद ये लांस नायक गजानन मिसाल जो कि जिमी जो है वो सिग्नल कोर का प्रतीक है और ये सिग्नल कोर के प्रतीक के रूप में यहाँ खड़े हुए यही नहीं यहाँ पर योग का प्रदर्शन भी आप मोटरसाइकिल में देख सकेंगे पीटी डिस्प्ले भी देखेंगे और मोटरसाइकिल चलती रहेगी उसकी गति में कोई अंतर नहीं आएगा यदि गति में अंतर आ गया तो इसके माने कि आपका जो ये प्रदर्शन है वो प्रथम श्रेणी का नहीं माना जाएगा और तभी तो पीटी डिस्प्ले योग का प्रदर्शन सिग्नल फाइटर मरकरी पीक ये सब ये कोर ऑफ सिग्नल्स द्वारा ये मोटरसाइकिल का प्रदर्शन हो रहा है और अब आप देखिए कि पुष्प खिलाने का मोटरसाइकिल पर चलते हुए ध्वज लेकर के ये कोर ऑफ सिग्नल्स का ध्वज भी इन्होंने अपने साथ में ले रखा है सुंदर दृश्य है मनमोहक राजपथ इनके लिए खाली है पहुंचते हुए किसी गति से जाएं मुख्य अतिथि का अभिवादन ये पहला सलूट जैसा मैंने पहले भी बताया था कि हम दोबारा उन्हीं दृश्यों को फिर दिखाते हैं ताकि हमारे वो दर्शक जो उसका आनंद पहले पूरा नहीं ले सके हैं वो पुनः उसका आनंद ले ब्रिगेडियर साहब आप पहले कह रहे थे जो ये मनमोहक दृश्य तो है ही परंतु इसमें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की आवश्यकता है क्योंकि कहीं थोड़ा सा भी अगर बैलेंस इधर से उधर हो जाए तो इसका जो नतीजा है वो बहुत ही खराब हो सकता बिल्कुल, है बिल्कुल क्योंकि फिर तो वहाँ खिल्ली उड़ाएंगे नहीं खिल्ली के अलावा अपने आप को कितना वो होगा और जो पूरा ये तो एक नेशनल प्रेस्टीज मैटर है जो वहाँ पर ऐसे डिस्प्ले हो रहा है और डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है जी और इसीलिए इसमें तो जैसे शुरुआत में आप बता रहे थे जो जब फ्लाई पास्ट होता है तो उसमें कितना उनको ध्यान देना पड़ता है कितना प्रैक्टिस करना पड़ता है जो बिल्कुल स्प्लिट सेकंड का भी कोई इधर से उधर कोई वो नहीं होना चाहिए खामी नहीं आनी चाहिए तो ये वाला भी ऐसा ही दो मिसाल है उसकी और ये सात मेरे ख्याल से सात मोटरसाइकिल सवार हैं एक मोटरसाइकिल पर जी सारी परेड जो है उसके अंदर सारी परेड ये एक प्रोसेशन है देखिए कितने दिन से ये परेड की तैयारी हो रही है और ये सारा काम आर्मी को इसलिए दिया जाता है क्योंकि इंडियन आर्मी और मिलिट्री के पास इतनी डिसिप्लिन के साथ वो सारा कुछ तैयार कर सकते हैं और हर चीज़ में चाहे वो सबसे पहले जो फ्लाईपास से शुरू होती है और परेड कमांडर जू सल्यूट कर रहा होता है तभी हमारी फर्स्ट फॉर्मेशन जो एनसाइन लाती है उसके साथ आती है तो देखिए हर इवेंट के अंदर प्रिसीजन है फिक्स्ड गैप है हर फॉर्मेशन हर टेबलों के बीच में और देखिए आप कितना सुंदर तरीके से ये बहुत सुंदर साइट इट इज बहुत सुंदर ये देखिए जैसे मोर ने पंख फैलाए होते हैं ना जी ये मानव पिरामिड बनाए मानव और एक्सपर्टीज क्या है डिसिप्लिन क्या है जी हाँ अभ्यास हर क्षेत्र बिना अभ्यास के बिल्कुल और ये सिग्नल की तरफ से है इसलिए सिग्नल्स वालों का फ्लैग और इंडियन आर्मी का फ्लैग है और सेंटर में देश का ध्वज ये तीनों फ्लैग फ्लाई किए जा रहे हैं ये फाइनाले है इस पर्टिकुलर Totally focused, seemingly effortless.